हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपकी एप्लीकेशन में अगर आप सोचे भी नहीं होगे ना तो भी आपका सिर्फ आपके एक क्लिक पे आपको अच्छा खासा पैसे मिल जाएंगे। और वो क्लिक आपको नहीं करना है, वो क्लिक करेगा फॉरेन का ऐड से आएगा। उसके साथ साथ इस वीडियो को पूरा बने रहेगा। जो मैं यूज़ करता हूँ मैं सिर्फ वही बताता हूँ, उसके सिवा ना मैं कुछ बताता हूँ ना ही मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करता हूँ आप लोग पे। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब हो जाइएगा। उसके साथ साथ जो लोग भाई लोग कल की वीडियो में बोल रहे थे कि कैसे इस ऐड को इम्प्लीमेंट करते हैं इमोबी के जो अल्टरनेटिव ऐड मॉब का नेटवर्क है, तो ऊपर आपको आई का बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे जाएंगे आपको वहाँ पे मिल जाएगी कि कैसे आपको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। वो वीडियो मैं पहले ही बना चुका था लेकिन मैं भूल गया था क्योंकि मैंने बना के पहले ही रखा था और क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रोसेस होता है तो उसके लिए मैंने ऊपर आई बटन दे दिया, वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस टाइप का एप्लीकेशन बनाना चाहिए, क्योंकि लोग आपको यहाँ पे ये नहीं बताते कि एप्लीकेशन किस टाइप का होना चाहिए प्ले स्टोर पर जिससे आपकी काफ़ी ज़्यादा अर्निंग हो जाए और आपको ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वीडियो को चलिए इसमें मैं आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट बता देता हूँ कि आप चाहें तो सेल्फ क्लिक भी कर सकते हैं लेकिन उसमें आप जितनी मेहनत करेंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उससे सेल्फ क्लिक से अर्निंग नहीं होती, होती है अर्निंग, बहुत कम होती है और ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन उसके जितना आप मेहनत करोगे वो सिर्फ एक टाइम तक होती है। जो कुछ अर्निंग होती है वो एक टाइम तक होती है और कुछ अर्निंग होती है वो लाइफ टाइम होती है। मैं आपको जो आज आइडिया दे रहा हूँ वो लाइफ टाइम काम करेगी, आपको सिर्फ थोड़ी सी मेहनत देके करनी पड़ेगी। जब एक बार मेहनत आपकी थोड़ा आगे बढ़ जाएगा तो आपका इंस्टॉल खुद ही से होगा और आपकी अर्निंग भी खुद होगी। तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो मैं एक पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कोई चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करना प्ले स्टोर कौनसल को खुद परचेज करना, अगर आप कर सकते हो तो। क्योंकि अगर आप दूसरों को परचेज करके दूसरे के में डालोगे 200 रुपये, आजकल कुछ लोग लेते भी हैं कि 200-300 में आपका एप्लीकेशन पब्लिश कर देते, तो उनसे ये दिक्कत रहती है कि कल को हो सकता है वो आपका एप्लीकेशन डिलीट कर दे या फ्रॉड कर दे। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप अपना 1800 रुपये लेगा लेकिन थोड़ा सब्र मिलेगा आपको कि थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अर्निंग आपकी हो जाएगी। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके पर चलोगे तो ज़रूर आपका एक महीने के अंदर जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करोगे वो आपको वापस मिल जाएगा और साथ साथ आपका अकाउंट भी सेफ रहेगा। मैं सारी ट्रिप आपको शेयर कर दूंगा। जैसे कि आपको पता है इंश्योरेंस ऐड, हाँ ये तो सभी को पता है, मोस्टली सभी को जो अगर सेल्फ क्लिक भी करते हैं उनको पता है कि इंश्योरेंस वाले ऐड पे काफ़ी ज़्यादा पैसे आते हैं। तो इंश्योरेंस वाला ऐड आएगा कैसे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कितने ढेर सारे ऐड नेटवर्क है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ इंश्योरेंस के दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपको पॉलिसी बाजार हो गया, LIC हो गया, सब तरीके यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अब आपको करना क्या है, आपको एक तो ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जैसे कि आपने देखा ही होगा रेलवे का, तो वो दूसरा टॉपिक हो जाएगा लेकिन हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ इंश्योरेंस वाले पे। अगर आप इंश्योरेंस वाले को बना रहे हो तो आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन में इन्वेस्ट करवा के अपने नियरेस्ट, मेरा यही मानना है कि आप नियरेस्ट अपने किसी के पास चले जाएं, डेवलपर के पास, वो आपको बना के देगा। अगर आपको चाहिए डेवलपर का नंबर तो सिंपली आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप गूगल को टाइप कर लीजिएगा अपने जाए मोबाइल में जाए उसमें, और यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा एंड्रॉयड डेवलपर, अभी ये नियर में है, बस इतना आप लिख दीजिएगा। आपको जितने भी आपके तरफ होंगे डेवलपर आपको उनको यहाँ पे नंबर शो कर जाएंगे, आप डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट करिए, ये आपको जेन्युइन ऐप जो है प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब एप्लीकेशन की बात हो गई, एप्लीकेशन आप इंश्योरेंस टाइप का बनवा लीजिए और मेनली फोकस आप दो चीज़ पे कर सकते हैं, आप इंडिया वाले पे भी फोकस कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप फॉरेन के इंश्योरेंस कंपनी पे फोकस कर सकते हैं। अब जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है फॉरेन के इंश्योरेंस पे फोकस करना, उसका थोड़ा आपको स्टडी करनी पड़ेगी उनके बारे में, तभी आप उस टाइप का एप्लीकेशन को ऑर्डर भी करवा सकते हो, उस टाइप का बनवा भी सकते हो। अभी मैं आपको एक तो अर्निंग दिखाता हूँ आपको, ये इस मंथ की अर्निंग है जिसमें मेरा, आप यहाँ पे अगर मैं दोबारा जो है इसको थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें मुश्किल से 80 क्लिक अब की बार हुआ है और जिसमें जो मेरी अर्निंग जो है 1400 से 1500 के बीच में हुई थी। तो आप समझ सकते हो कि सिर्फ इसमें ज़्यादा डाउनलोड भी नहीं हुआ। आप एप्लीकेशन कौन सी है, कहाँ अपलोड किए वो नहीं बता सकता क्योंकि हेटर्स तो आप जानते ही हो, ब्लॉक करवा देंगे। तो यहाँ पे मैं पहले USD सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा दिक्कत होता है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे USD को लगा देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये मैंने USDT में इसको कन्वर्ट कर दिया है, तो ये आपको इजी रहेगा समझने में। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप,
एक सितंबर 27-17 के बीच में 20 डॉलर करीब अर्निंग हुई। और अगर मैं आपको लास्ट मंथ का दिखा दूँ तो शायद आपके लिए थोड़ा शॉकिंग रहे। तो आप 390 क्लिक पे आप देख सकते हो 66 डॉलर के करीब बन गया मेरा। ठीक है, ये जेन्युइन अर्निंग होती है, इसको कहते हैं जेन्युइन तरीके से अर्न करना। और इसमें देख सकते हैं आप क्लिक, अगर यही क्लिक इंडिया से आया होता तो मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ कि ये मुश्किल से 400 रुपये होता, जो आपको 66 डॉलर जो दिख रहा है करीब करीब 4,500 के करीब 5,000 के करीब, वो मुश्किल से होता सिर्फ 400 से 500 रुपये। तो ये फ़ायदा होता है थोड़ा कि जब आपका कम डाउनलोड हो और आप नए हो और उसमें आप जो है अपना फॉरेन का ऐड को इम्प्लीमेंट करवा देते हो, तो फॉरेन के अगर आप ऐप बनाओगे तो उसमें फॉरेन के ऐड मोस्टली आएंगे, क्योंकि लोग वही सर्च करेंगे वही देखेंगे। अगर एक बंदा एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके एक क्लिक कर देता है और आपका अगर मान लीजिए 100 डाउनलोड हो जाता है और 100 बंदे अगर 100 क्लिक कर देते तो आपका करीब करीब 25 से 30 डॉलर आराम से बन जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी इनकम है आपके लिए, 30 डॉलर में आपका सब कुछ बराबर हो जाएगा हिसाब किताब। इस तरीके की एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा काम करती है। और रही बात, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहो तो सेल्फ क्लिक में भी अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो। वो सिर्फ एक थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कि आपका डर भी रहेगा सस्पेंड होने का, लेकिन जो इसमें फ़ायदा है कि आपने अगर एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो वो आपका पैसा ना कहीं जाना है ना किसी और के पास आना है, वो सिर्फ आपका रहेगा और आप ही के पास आएगा। और इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है कि ऐड कितना यूज़ करें, तो यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। अगर आप सोच रहे हो ऐड लगाने का, तो मैं आपको गूगल के ऐड मॉब की पॉलिसी के हिसाब से बताना चाहूँगा कि सिंपली आप एक बैनर ऐड और एक इंडस्ट्रियल ऐड को यूज़ करिए, उससे ज़्यादा अगर आप यूज़ करेंगे तो फिर आपके अकाउंट के लिए दिक्कत रहेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि और कभी भी एप्लीकेशन को, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि आप कभी भी एप्लीकेशन को यूट्यूब के ज़रिए से कभी भी प्रमोट ना करें। अगर आपको प्रमोट करवाना है अपना एप्लीकेशन तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बता देता हूँ जिससे आपका एप्लीकेशन प्रमोट हो जाएगा। यहाँ पे आप सिंपली जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गूगल एड्स आप टाइप करेंगे, यहाँ पे आपको गूगल एड्स आ जाएगा। सिंपली इसका फ़ायदा ये है कि जो आप 200 रुपये दे के आपका डाउनलोड होगा कि नहीं होगा वो भी गारंटी नहीं रहेगा। इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें अगर आप 2000 के करीब खर्चा करोगे तो उसमें आपको 2000 एक्स्ट्रा आपको फ्री मिल जाएगा, तो मतलब 4000 का कैंपेन। और 4000 में अगर मेरी बात मानो तो करीब करीब अगर आपका एप्लीकेशन अच्छा बना है, और इसमें आप जो कंट्री सेलेक्ट करोगे, अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर एक मैं सेपरेट वीडियो बता दूँ कि किस तरीके से ये प्रमोट करता है और किस तरीके से आप इससे करीब करीब देखिए 4000 में जो मेरा अंदाज़ा है ये आपका करवा देगा डाउनलोड, कम से कम जो है एक 1500 डाउनलोड करवा देगा ये। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन के ऊपर है कि कितना ज़्यादा कर लेगा। अब आप 1000 डाउनलोड पे मान लीजिए अगर आपका 500 भी क्लिक हो जाता है ना, तो आप ऐसे ही अमीर हो जाओगे। अमीर क्या होगा, पैसा तो अच्छा खासा आ जाएगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए प्रमोट करने का। प्रमोट देखिए यूट्यूब वगैरह या उससे प्रमोट करवाना किसी को कह के, देखिए ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि हम लोग का भी हर कोई का हेटर्स होते हैं। ठीक है, आप एप्लीकेशन प्रमोट करवाओगे वो खोलेगा बार बार क्लिक करके, जैसे आप यहाँ पे इसकी पॉलिसी के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो क्लिक और इम्प्रेशन जनरेटेड बाय पब्लिशर, पब्लिशर आप हो अपने ऐड पे, या रिपीटेड ऐड क्लिक और इम्प्रेशन जनरेटेड बाय वन और मोर यूज़र, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक और इम्प्रेशन अगर कोई जनरेट कर रहा है तो उसका मतलब है कि आपका एप्लीकेशन सस्पेंड हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। अगर आपका इससे पहले अकाउंट सेल्फ क्लिक में सस्पेंड हो चुका है तो बिल्कुल भी अपने नाम पे ट्राई मत करना, किसी और के नाम पे ट्राई करिए, लेकिन जेन्युइन नाम यूज़ करिएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन में अगर फंस जाएगा तो वो भी आपकी अर्निंग चली जाएगी। तो ये सब एक तरीका होता है किस तरीके से आपको प्रमोट करना है, किस तरीके से आपको एप्लीकेशन बनाना है और किस तरीके से आपको करना है। मैंने आपको सारा तरीका बता दिया है कैसे आप अपनी अर्निंग को इंक्रीज कर सकते हो, कैसे आप अपनी अर्निंग को कम टाइम में अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। अभी आप ये जो देख रहे हो ना एक महीने में, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, मैं आपको सिंपली आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जब कोई इंसान उठता है तो वो 1 रुपए से उठता है, तब जाके उसके पास लाखों रुपए होता है। तो आप ये जो मेरी इनकम देख रहे हो ये सिर्फ मेरी एक अकाउंट की है, तो मैं इसी तरीके से 2-3 अकाउंट है, अब मैं सबको खोलूँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा और मैं बार बार अर्निंग दिखाना भी अच्छा नहीं लगता है, खुद ही की अर्निंग कम हो जाती है। तो इसमें मैं आपको सिंपली यही कहूँगा कि आप जो है
अर्निंग करो, धीमे धीमे होगी। देखो जाहिर सी बात है, शुरुआत में डीमोटिवेट हो गए, ये लगेगा वो लगेगा, लेकिन ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है ना, अगर एक बार आप इन्वेस्ट कर दोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा देगा। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अगर आपको नहीं पता कि इंश्योरेंस आप कैसे बनाते हैं, सिंपली आप एक काम करो, वेबव्यू लगाओ, आपके पास एपी बिल्डर है जिसमें भी आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, थंकेबल है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस सिंपली आप एक तो एप्लीकेशन बना के उसमें वेबव्यू लगा के ब्लॉगर पर जाके किसी और की वेबसाइट को आप सिंपली लगा के, लेकिन उसको एंड उस पर किसी और वेबसाइट का थोड़ा थोड़ा कंटेंट कॉपी करके आप अपने ब्लॉगर पे खुद का पोस्ट बना के उसको अपलोड करके उसके बाद पब्लिश कर दीजिए, ताकि आपका अकाउंट भी नहीं सस्पेंड होगा, मतलब आपका एप्लीकेशन है जो वो गूगल पे जो है सस्पेंड नहीं करेगा, क्योंकि अगर खुद का आपका ब्लॉग है वेबसाइट है तो वो सस्पेंड नहीं करता है गूगल, और कुछ नॉन कॉपीराइट वेबसाइट होती है उनका नहीं करता है। तो इस तरीके से आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। मैंने आपको बता दिया तरीका कि किस टाइप की एप्लीकेशन बनानी चाहिए। अगर आपको और कुछ आइडिया नहीं है कि किस तरीके से कैसे वर्क किया जाता है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, तो मैं आपको सब तरीका बता सकता हूँ। सिंपली आप नीचे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा किस तरीके से आपको क्या चीज़ की अर्निंग करनी है और क्या आप चाहते हो। देखो मेरा क्या है, मैंने 0 रुपए से स्टार्ट किया था। अगर मैं आपसे ईमानदारी से बताऊं, मैंने अपने लाइफ में 1 रुपए नहीं खर्चा किया, खासकर इंटरनेट पे, क्योंकि मैं बहुत कंजूस किस्म का इंसान हूँ। 1 रुपए खर्चा नहीं किया, आज मेरी अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आज कंपटीशन पहले के हिसाब से बहुत ज़्यादा, पहले कंपटीशन नहीं था, इस वजह से आप ग्रो कर सकते थे। आज ग्रो करने का भी बहुत ज़्यादा जरिया है, लेकिन आपको अपने स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा। अभी अगर आप म्यूजिकली जैसा ऐप बनाओगे या आप ये सोचोगे अर्निंग ऐप, तो इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें जब ज़्यादा हो जाती हैं तो कूड़ा समझ लीजिए। जैसे अगर एक एक इंसान बोलेगा तो लोग समझेंगे, लेकिन एक बात को 100 लोग वही बोलते रहेंगे तो लोग सोचा अरे सभी तो बोल रहे हैं, तो वो एप्लीकेशन कोई नहीं डालता। आपको यूनिक रखना पड़ेगा, अपना कंटेंट चेंज करना पड़ेगा, और फोकस आपको करना पड़ेगा दूसरी कंट्री की तरफ। अगर आप चाहते हो कि कम इंस्टॉल में आपके ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड हो जाए, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, इसको आप ट्राई करिए। ये सब मेथड मैं आपको बताता रहूँगा। साथ साथ अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो कृपया करके नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपको सारी हेल्प करूंगा, क्योंकि मेरा काम यही है सिर्फ आप लोग की मदद करना है। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल पे लाइक कर देना यार और सब्सक्राइब हो जाना। आप लोग का एक सब्सक्राइब और लाइक मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जैसे मैं आप लोग को बिना पैसे या किसी चीज़ के बिना एडवाइस देता हूँ, तो सिंपली आप वीडियो को लाइक कर दिए, क्योंकि उससे आपके एक लाइक से मेरी वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक है आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो मैं उस पर बनाऊँ, तो ज़रूर नीचे कमेंट करिएगा, मैं सबका देखता हूँ। और फ़ोन नंबर नहीं मांगी है, क्योंकि फ़ोन नंबर सभी मांगते रहते हैं तो थोड़ा दिक्कत होती है। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।